कहाँ गए 2G स्पेक्ट्रम, कहाँ गया कोलगेट, कहाँ गया लोकपाल, कहाँ गया जिन मुद्दों को लेकर सरकार बदली, इन्होंने बदलवा, इन्होंने जनता ने बदली समझ लो, और वो कहाँ गए, ले गए वो मुद्दे ही नहीं देश के अंदर। ये ब्लैक मनी ला रहे थे दुनिया से, ब्लैक मनी आई क्या, अब भूल गए, मोदी जी खुद नाम नहीं ले रहे ब्लैक मनी का। जोड़ो यात्रा की नौबत क्यों आई है, भारत जोड़ो, इसका मतलब खतरे हैं देश के अंदर। जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, 70 साल से कांग्रेस ने बचाए रखा, राजनीति चल रही देश के अंदर, धज्जियां उड़ रही है संविधान की, ED और इनकम टैक्स CBI का राज चल रहा है, लोकतंत्र का खाली मुकुट पहन के राज में आ गए लोग, इनके कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र के अंदर स्थिति है, ये सब आज एक्सपोज होगा वहाँ पर। लेकिन सर जो भाजपा का आरोप है कि भ्रष्टाचार या फिर जांच एजेंसियों से बचने के लिए, वो कहाँ गए 2G स्पेक्ट्रम, कहाँ गया कोलगेट, कहाँ गया लोकपाल, कहाँ गया जिन मुद्दों को लेकर सरकार बदली, इन्होंने बदलवा, इन्होंने जनता ने बदली समझ लो, और वो कहाँ गए, ले गए वो मुद्दे ही नहीं देश के अंदर। ये ब्लैक मनी ला रहे थे दुनिया से, ब्लैक मनी आई क्या, अब भूल गए, मोदी जी खुद नाम नहीं ले रहे ब्लैक मनी का, ये स्थिति। कांग्रेस तो एक्शन मोड में है, 7 तारीख से फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की नौबत क्यों आई है, भारत जोड़ो, इसका मतलब खतरे हैं देश के अंदर। जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, 70 साल से कांग्रेस ने बचाए रखा, इंदिरा गांधी ने जान दे दी, देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बैन सिंह शहीद हो गए, नेस्ताबूत कर दिया आतंकवाद को, और आज माहौल ऐसा बन गया है, ध्रुवीकरण की राजनीति खुले रूप में करे लोग, इनको कोई संकोच भी नहीं है, इनका एजेंडा है ध्रुवीकरण की राजनीति से शासन में आना और शासन बनाए रहना, अब इनकी पोल खुलती जा रही है। लेकिन कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है, लोग आपकी तरफ भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। देखिए चुनाव जहाँ होते हैं वहाँ नजर क्या काम आती है, चुनाव चुनाव होते हैं, चुनाव की कार्यक्रम घोषित हो गया है, अब देखते हैं चुनाव में क्या स्थिति बनती है, कौन कौन खड़े होते हैं किसी को नहीं मालूम है। आपका सर क्या स्टैंड है, आप ये? मेरा कोई स्टैंड नहीं, मेरा स्टैंड वही होता है जो पार्टी का स्टैंड होता है। पार्टी कहेगी तो आप बनेंगे अध्यक्ष? मैं कैसे कह सकता हूँ बनूंगा कैसे, चुनाव होंगे, चुनाव में कौन खड़े होंगे नहीं होंगे किसी को नहीं मालूम है। एक सवाल सर और है, जो आज शेख हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों से वो परेशान है, मानवता के नाते वो मदद तो कर रही है, लेकिन भारत रोहिंग्या मुसलमान की समस्या में बड़ा भूमिका निभा सकता है, उन्होंने भारत की तारीफ भी की जब वो भारत में शरण ली हुई थी, भारत की यात्रा पर आने वाली है, आपको लगता है ये समस्या का समाधान होगा? देखिए जो डिप्लोमेटिक इश्यू होते हैं इनको मैं समझता हूँ कि आने दीजिए उनको, क्या वो व्यूज देती है, किस प्रकार से भारत सरकार की क्या नीति है, क्या सोचती है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए ऐसे मामलों का।